यहाँ पे पीछे का टाइटल देख ला देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर आपके पास कोई एंड्रॉयड डिवाइस है जिसका पिन या फिर पैटर्न है वो आपको पता नहीं है, मतलब आप भूल चुके हैं, तब आप उसका जो है उसका जो डेटा है या फिर उसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं जो भी मोस्ट ऑफ द मेथड्स जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, यहाँ पे डेटा को इरेज किए बिना आप कैसे पिन को रिकवर कर सकते हैं या फिर बाईपास कर सकते हैं वो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं मेरे वर्क को इस चैनल को सब्सक्राइब करके, एंड अगर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी आप करना बंद कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी वीडियोस को पब्लिश करूँ तो उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। यहाँ पे मैं आप लोगों को जो भी मेथड्स आप लोगों को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ये पूरा मेरा आज की डेट तक मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो मैंने अपने जो डिवाइसेस में जिनका पिन मेरे पास नहीं है या फिर मैं भूल गया था, तो उनको उनका जो डेटा है उसको मैंने कैसे रिकवर किया है वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड यहाँ पे जो भी है जितने भी पॉसिबल वेज हैं वो सारे मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे जो भी मेथड्स मैं आप लोगों को बताऊंगा ये सारे जो लेटेस्ट आज के डेट में जो लेटेस्ट एंड्रॉइड डिवाइसेस हैं लगभग सबके ऊपर ही ये काम करेंगे, एक्सेप्ट एक मेथड है जो पुराने डिवाइसेस के लिए है। ये जो वीडियो है ये पूरा एजुकेशनल पर्पज के लिए है, और यहाँ पे जो भी मेथड्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इनको आप सिर्फ एथिकल पर्पसेस के लिए ही यूज कीजिए, अनऑथराइज या फिर इलीगल वे में आप किसी दूसरे के डिवाइसेस के ऊपर इनके जैसे मेथड्स को आप अप्लाई मत कीजिए, उससे आप लोगों को जेल भी हो सकता है। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को एक स्लाइड शो के जरिए ये जो है पूरा समझाने के लिए ट्राई करूंगा, और ये जो स्लाइड शो है उसका पीडीएफ फॉर्म में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसका डाउनलोड लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ पे इसका जो यूज केसेस है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो यूज ये कब आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूज केसेस में जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए आपका कोई डिवाइस है या फिर आपके दोस्त का कोई डिवाइस है, ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है कि हम लोग अपने डिवाइस के ऊपर नया पिन या फिर नया पैटर्न सेट करते हैं, उसके बाद हर उसके कुछ टाइम बाद हम लोग खुद ही उसको भूल जाते हैं, तो उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आप ये जो मेथड है इसको आप यूज कर सकते हैं, या फिर जो भी मेथड्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। एंड या फिर आप जो दूसरा यूज केस है, मान लीजिए आपके आपका कोई पुराना एंड्रॉयड डिवाइस है जिसको जो आपको मिला है लेकिन उसका जो पिन या फिर पैटर्न है उसको आप भूल चुके हैं, और उसके अंदर जो डेटा है या फिर जो फाइल्स इमेजेस या फिर जो वीडियोज हैं वो आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उनको खोना नहीं चाहते, तब भी आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। या फिर जो थर्ड जो सबसे बड़ा रीजन है, अगर मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली किसी का डेथ हो जाता है, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके फ्रेंड के रिलेटिव हो सकते हैं या फिर आपका फ्रेंड हो सकता है, तो अनफॉर्चुनेटली अगर उनका डेथ डेथ हो जाता है तो उनका जो डिवाइस है उसका जो उनका जो एंड्रॉयड डिवाइस है उनके अंदर जो इंपॉर्टेंट डेटा है मतलब आप अगर वापस से चाहते हैं यूज करना लेकिन उसका जो पिन है वो आपको पता नहीं है, ऑब्वियसली वो पता होना भी नहीं चाहिए, तब भी आप ये जो मेथड्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो भी मेथड्स आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ उनके लिए यहाँ पे कुछ प्री कंडीशंस हैं, तो इन प्री कंडीशंस के हिसाब से जो मेथड्स है वो अलग अलग मेथड्स को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो सबसे पहला प्री कंडीशन है, जो डिवाइस है डिवाइस का जो बूट लोडर है वो अगर अनलॉक्ड है तब आप क्या कर सकते हैं वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ये जो डिवाइस है इसका पिन मुझे पता नहीं है, लेकिन इसका जो बूट लोडर है वो अनलॉक्ड है, और ये जो डिवाइस है ये यूएसबी केबल के थ्रू जैसे कि आप देख सकते हैं लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे लैपटॉप के ऊपर ये जो डायरेक्टरी है ये एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म टूल्स का डायरेक्टरी है, तो यहाँ पे जो कमांड विंडो है इस डायरेक्टरी के ऊपर मैंने उसको ओपन कर लिया है, और यहाँ पे ये जो फाइल है ये है जो डिवाइस है मेरा जिसका पिन हमको रिकवर करना है, उस डिवाइस का जो कस्टम उस डिवाइस के लिए बना हुआ जो कस्टम रिकवरी है उसका इमेज है ये, ठीक है। आप अपने डिवाइस के हिसाब से ये जो कस्टम रिकवरी है उसको आप डाउनलोड करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे और ये जो कस्टम रिकवरीज होते हैं ये डिवाइस टू डिवाइस स्पेसिफिक होते हैं, तो आपके डिवाइस के लिए जो बना हुआ है उसी को आप डाउनलोड करके यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा आपको। अभी जो डिवाइस है उसको मैंने फास्ट बूट मोड में बूट कर लिया है, वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को एक साथ में प्रेस करके। उसके बाद यहाँ पे देखिए लैपटॉप के ऊपर आपको कमांड डालना है फास्ट बूट बूट, उसके बाद जो रिकवरी इमेज है उसका नाम यहाँ पे आपको डालना है। डालने के बाद यहाँ पे एंटर में प्रेस करने के बाद जब ये कमांड कंप्लीट हो जाएगा आप फोन के ऊपर नोटिस कीजिए फोन जो है वो कस्टम रिकवरी के ऊपर बूट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद बाकी का जो ऑपरेशन है वो जो कस्टम रिकवरी है उसके ऊपर आपको करना है। कस्टम रिकवरी में बूट होने के बाद आप यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में जाइए, उसके बाद यहाँ पे आपको फाइल मैनेजर मिल जाएगा, फाइल मैनेजर के अंदर जाइए। फाइल मैनेजर के अंदर जाने से उसके बाद रूट डायरेक्टरी जो है रूट डायरेक्टरी के अंदर डेटा डायरेक्टरी मिलेगा, डेटा डायरेक्टरी के अंदर जो सिस्टम डायरेक्टरी है उसके अंदर आपको जाना है,
जाने के बाद यहाँ पे जो स्लाइड में मैंने जो फाइल्स का लिस्ट मैंने आपको बताया है, उनमें से सारे फाइल्स आप लोगों को नहीं भी मिल सकते हैं, उनमें से जो भी फाइल्स आप लोगों को मिलेंगे वहाँ से उन फाइल्स को आपको डिलीट करना है। ठीक है, डिलीट करने के बाद आप बैक बटन पर प्रेस करके जो होम स्क्रीन है उसमें वापस चले जाइए। उसमें वापस चले जाने के बाद यहाँ पे रिबूट में आप क्लिक कीजिए। रिबूट में क्लिक करने के बाद जो डिवाइस है वो रिबूट हो जाएगा। तो रिबूट होने से उसके बाद वो जो पिन है या फिर जो पैटर्न है वो नहीं पूछेगा, डायरेक्ट आप उसके अंदर जो फाइल्स हैं डायरेक्टरीज हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, जो सेकंड प्री कंडीशन है, सेकंड प्री कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे मान लीजिए आपका जो एंड्रॉयड डिवाइस है उसमें यूएसबी डिबगिंग पहले से ही एनेबल किया हुआ है, एंड आपके पास कोई लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप है जिसका जो वो जो एंड्रॉयड डिवाइस है उसके अंदर ऑलरेडी ऑथराइज है, तब आप इस मेथड को आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए यहाँ पे यूएसबी डिबगिंग अगर ऑन है तो आप डेवलपर मोड में जाने से यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। आपका लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप अगर डिवाइस के ऊपर ऑथराइज है तब तो ठीक है, और अगर ऑथराइज नहीं है, जब आप यूएसबी डिबगिंग को एनेबल करके एंड्रॉयड फोन को अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट करेंगे, इस तरह का एक प्रॉम्प्ट आएगा, तो उसको आपको अलाउ करना है, तब तो वो डिवाइस वो जो लैपटॉप या डेस्कटॉप है वो आपके एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर ऑथराइज हो जाएगा, तब आप इसको आराम से ये जो मेथड है इसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो मेथड है यहाँ पे की लॉक्स एक टूल है, इस टूल यहाँ ये एक्चुअली एक स्क्रिप्ट है, तो इसको यूज करके जो एडीबी है एडीबी को यूज करके एंड्रॉयड डिवाइस का जो पिन है उसको क्रैक किया जा सकता है, या फिर उसको ब्रूट फोर्स अटैक को यूज करके जो पिन है उसको क्रैक किया जा सकता है, या फिर उसको आप फाइंड कर सकते हैं। ये जो स्क्रिप्ट है इसका जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन इसका जो है इसका कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन ऐसा है कि ये जो टूल है ये सिर्फ पिन को क्रैक करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, पैटर्न के लिए ये काम नहीं करेगा, और ये जो है ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि ये एक ब्रूट फोर्स अटैक है, और ब्रूट फोर्स अटैक्स जो होते हैं वो अगर पिन जो है वो अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेट किया गया है मतलब पहले, तब उसको क्रैक करने में कुछ ज्यादा टाइम लगेगा। और यहाँ पे टाइम का ब्रेकअप मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये कोई भी ब्रूट फोर्स अटैक है एंड्रॉयड डिवाइस का जो पिन है उसके लिए और सबके लिए ये जो इतना टाइम ले सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं 4 4 डिजिट का है, तो यहाँ पे लगभग 7 डेज के करीब लगेगा जितने भी पॉसिबल पिन से उनको सबको ट्राई करने के लिए। 5 5 डिजिट का है तो 70 डेज के करीब लगेगा, 6 डिजिट का है तो या 2 साल लग सकता है, 7 डिजिट का है तो 19 ईयर्स, 8 डिजिट का आप जैसे कि देख सकते हैं ये कितना लंबा टाइम लग सकता है। तो आप जितना कॉम्प्लिकेटेड पिन यूज करेंगे उसको क्रैक करने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ आप जितना हो सके उतना कॉम्प्लिकेटेड जो पिन है अपने एंड्रॉइड डिवाइसेस में यूज कीजिए, तो उसको क्रैक करना या फिर उसको मतलब अनऑथराइज या फिर इलीगल वे में एक्सेस करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं या फिर पिन भूल जाते हैं तब उसको रिकवर करना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, और जो पिन या फिर पैटर्न है उसको बहुत ही केयरफुली सेट कीजिए ताकि वो आप लोगों को याद रहे। और यहाँ पे और एक लिमिटेशन है जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है साइड में, वो है किसी किसी एंड्रॉयड डिवाइस में लोग क्या करते हैं या फिर जो एंड्रॉयड डिवाइसेज हैं जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनमें जो स्टॉक सेटअप रहता है सेटअप में वो ऐसा रहता है, 15 टाइम्स अगर गलत पिन अटेम्प्ट होगा तब क्या होता है जो डिवाइस है डिवाइस ऑटोमेटिक फैक्ट्री रिसेट हो जाता है, मतलब डिवाइस के अंदर जो डेटा है वो ऑटोमेटिक पूरा इरेज हो जाता है, तो वो भी एक लिमिटेशन है यहाँ पे। तो ये जो मेथड है ये जो की लॉक्स जो है इसको यूज करके आप कैसे पिन को क्रैक कर सकते हैं वो मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट को चलाने के लिए काले लिनक्स का जो रूट शेल है, रूट शेल के अंदर जाने के बाद यहाँ पे एडीबी कमांड को चला के जो एडीबी यूटिलिटी है उसको पहले आप इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे जैसे कि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है, उसके बाद आपको चलाना है गिट क्लोन। ये जो है ये यूआरएल है, ये जो स्क्रिप्ट है इसका, तो इसको आपको क्लोन कर लेना है। क्लोन करने के बाद यहाँ पे आपको सीडी करना है, यहाँ पे की लॉक्स का डायरेक्टरी आ जाएगा, उसके अंदर आपको सीडी करना है। सीडी करने के बाद यहाँ पे देखिए जो भी स्क्रिप्ट का जो भी कंटेंट्स है वो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे। यहाँ से आपको जो स्क्रिप्ट है, ये जो स्क्रिप्ट है इसको आपको यहाँ से रन करना है। ठीक है, कमांड को आप चलाइए, उसके बाद आप डिवाइस को कनेक्ट करके जो ब्रूट फोर्स अटैक है उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रिप्ट को रन करने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा ये कि यहाँ पे आप 4 4 एंड 6 डिजिट के लिए ब्रूट फोर्स अटैक चला सकते हैं, और जो फोर्थ ऑप्शन है उसको यूज करके आप वर्ड लिस्ट अटैक भी चला सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वर्ड लिस्ट अटैक को चला के यहाँ पे इसको क्रैक करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो ये देखिए ये जो डिवाइस है ये अनलॉक हो भी चुका है। जो नेक्स्ट प्री कंडीशन है वो है अगर आपका जो डिवाइस है डिवाइस रूटेड है, ठीक है, एंड जो यूएसबी डिबगिंग है वो एनेबल्ड है, तब
ये जो मेथड है इसको आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को पता नहीं है कि आप कैसे अपने डिवाइस को रूट कर सकते हैं, या मतलब रूट एक्सेस जो है उसको आप कैसे एनेबल कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक यहाँ पे ऊपर आप लोगों को कार्ड में मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहां पे मैंने डिवाइस के अंदर रूट एक्सेस को एनेबल करना और कस्टम रिकवरी को आप कैसे डाल सकते हैं, उसके बाद कस्टम रॉम को आप कैसे डाल सकते हैं, सारा चीज मैंने अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है। तो अगर ये जो प्री कंडीशन है ये अगर सेटिस्फाई होता है, तो मान लीजिए यहाँ पे डिवाइस आपका रूटेड है एंड जो यूएसबी डिबगिंग एनेबल्ड है डिवाइस के अंदर, एंड जो आपका लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप कुछ भी है, तो वो अगर आपका जो एंड्रॉइड डिवाइस है उसमें ऑथराइज है, तब आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वही सेम एंड्रॉइड डिवाइस को यूज़ करने वाला हूँ जिसका पिन मुझे पता नहीं है फिर से। एंड जो डिवाइस है वो जैसे कि आप देख सकते हैं वो लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद आप लैपटॉप के ऊपर आ जाइए, लैपटॉप के ऊपर जो एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म टूल्स वाला डायरेक्टरी है उसके अंदर जाके यहाँ पे शिफ्ट प्लस राइट क्लिक करके ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है इसको ओपन कर लीजिए। वहाँ पे आप यहाँ पे ये जो है ADB डिवाइसेस कमांड को चलाइए, तो आपका जो डिवाइस है वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर डिस्प्ले होता है उसके बाद आप ADB शेल कमांड को चलाइए, उसको चलाने के बाद आप सू कमांड को चलाइए। सू कमांड को चलाने से आप लोगों को रूट एक्सेस जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद आप CD कर लीजिए /data/system जो डायरेक्टरी है उसके अंदर। उसके बाद आप ls करके ls-al डाल के जो जितने सारे फाइल्स एंड डायरेक्टरीज है उसके अंदर वो सब आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो फाइल्स का लिस्ट है, लिस्ट में से स्लाइड के अंदर जो भी लिस्टेड फाइल्स हैं उनमें से कोई भी फाइल यहाँ पे अगर आप लोगों को मिल जाता है ये जो डायरेक्टरी है इसके अंदर, तो यहाँ से उन फाइल्स को आप डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ पे मुझे एक फाइल मिला है ये, तो ये जो फाइल है इसको मैं अभी यहाँ पे से डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे rm-rf उसके बाद जो फाइल नेम है उसको डाल के ये जो फाइल है इसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के बाद जो डिवाइस है डिवाइस को मैं यहाँ से रिबूट कमांड चला के मैं रिबूट करता हूँ। तो अभी ये जो फोन है फोन रिबूट होने के बाद देखिए ये कोई पिन या फिर कोई पैटर्न नहीं पूछ रहा है। ओके जो ये जो नेक्स्ट प्री कंडीशन है ये एक्चुअली जो पुराने एंड्रॉइड डिवाइसेस हैं उनके लिए है। एक्चुअली यहाँ पे अगर एंड्रॉइड आपका जो एंड्रॉइड डिवाइस है उसका जो वर्जन है एंड्रॉइड वर्जन है वो एंड्रॉइड 4.4 या फिर उससे पहले का है, तब ये जो मेथड है ये आपके डिवाइस के ऊपर काम करेगा। और ये जो है ये सिर्फ पैटर्न ब्लॉक के लिए ही काम करता है, यहाँ पे पिन के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे जो प्री कंडीशन के हिसाब से आपके पास जो गूगल अकाउंट आपके डिवाइस के अंदर रजिस्टर्ड है उस गूगल अकाउंट का यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वहां पे आप लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे इतना पुराना डिवाइस मेरे पास नहीं है तो इसलिए मैं इमुलेटर के ऊपर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो डिवाइस के ऊपर जो पैटर्न लॉक का स्क्रीन है यहाँ पे आपको मतलब गलत पिन से आपको ट्राई करते रहना है। उसके बाद इस तरह का एक मैसेज आएगा, उस मैसेज को ओके कीजिए। उसके बाद देखिए फॉरगॉट पैटर्न का यहाँ पे बटन है, इसमें टाइप करने के बाद यहाँ पे जो गूगल अकाउंट है उसका ईमेल आईडी एंड पासवर्ड पूछेगा। उसके बाद साइन इन करने के बाद आप जो पैटर्न लॉक है उसको आप रिसेट कर सकते हैं। ओके तो सबसे लास्ट अगर मान लीजिए अभी तक मैंने जो भी प्री कंडीशंस बताए हैं उनमें से कोई भी अगर सेटिस्फाई नहीं होता है, कोई भी प्री कंडीशन आपके पास नहीं है, तब आप सबसे आसान चीज है वो आप कर सकते हैं फैक्ट्री रिसेट कर सकते हैं, जिससे कि आपका पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा, लेकिन आपका जो डिवाइस है डिवाइस को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे आपका कोई मतलब नहीं बनेगा क्योंकि डिवाइस का जो डेटा है वो पूरा इरेज हो जाएगा। उसको छोड़ने से जो आखिरी ऑप्शन आपके लिए बचता है वो है एंड्रॉयड पिन ब्रूट फोर्स यूजिंग HID एनेबल्ड डिवाइस, अगर आपके पास है उसको यूज करके आप कर सकते हैं। पता है मतलब कोई दूसरा डिवाइस, कोई दूसरा एंड्रॉयड डिवाइस जो टारगेट डिवाइस है, मतलब जिस एंड्रॉयड डिवाइस का पिन आप रिकवर करना चाहते हैं या फिर जो बाईपास करना चाहते हैं, उसके साथ एक दूसरा एंड्रॉयड डिवाइस को कनेक्ट करना है जिस एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर HID जो इंटरफेस है वो एनेबल्ड रहेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो दूसरा एंड्रॉयड डिवाइस है वो जो टारगेट एंड्रॉयड डिवाइस है उसके अंदर अलग अलग पिन को, मतलब एक कीबोर्ड की तरह अलग अलग पिन्स को वो ट्राई करेगा, पिन कॉम्बिनेशंस को ट्राई करेगा। जो भी पिन कॉम्बिनेशन वर्क करेगा उस कॉम्बिनेशन को वो आप यूज कर सकते हैं उस पर डिवाइस को अनलॉक करने के लिए। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो यहाँ पे जो HID एनेबल्ड डिवाइस है उसको सेटअप करना थोड़ा ट्रिकी है, तो वो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। ये भी एक ब्रूट फोर्स अटैक है, ये भी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो जो टाइम का जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था, तो ये सेम HID अटैक के लिए भी ये एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे ये जो है ये है मेरा HID एनेबल डिवाइस, एंड ये जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं एंड्रॉयड पिन ब्रूट फोर्स वाला स्क्रिप्ट, इसको यूज करके हम लोग जो टारगेट डिवाइस है उसके पिन को के ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक को चला सकते हैं। इसके एडिशनली हम लोगों को टर्मक्स एंड नेट हंटर भी चाहिए होगा,
तो यहाँ पर टर्मक्स को ओपन करने के बाद जब आप ये जो स्क्रिप्ट है इसका जो गिट रिपोजिटरी से जब आप इसको क्लोन करेंगे तो यहाँ पे एंड्रॉइड पे पोज वाला डायरेक्टरी आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस डायरेक्टरी के अंदर जाने से आप लोगों को बहुत सारे स्क्रिप्ट एंड जो कन्फिग्रेशन फाइल्स आप लोगों को दिख जाएंगे। तो यहाँ पे जो टारगेट डिवाइस है उसके लिए आप लोगों को कन्फिग्रेशन फाइल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा जो टारगेट डिवाइस है उसका कन्फिग्रेशन फाइल यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बना के यहाँ पे डाल दिया है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को उसका कंटेंट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और ये है उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है, डिवाइस के लिए स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ये। और यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है इसके एंड में आप लोगों को कुछ एग्जीक्यूटेबल्स का जो पाथ है वो भी यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे ये HID कीबोर्ड एंड HID जो इंटरफेस है उसका पाथ यहाँ पे आप लोगों को स्पेसिफाई करना है। तो यहाँ पे ये जो HID इंटरफेस को एनेबल करने के लिए और जो HID कीबोर्ड का जो एग्जीक्यूटेबल है ये जब आप नेट हंटर को यूज करेंगे तो नेट हंटर को यूज करके इनको आप अपने डिवाइस के अंदर एनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो नेट हंटर का जो ऐप है उसको ओपन करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो नेट हंटर का जो ऐप है उसका HID स्टेटस के अंदर जो HID इंटरफेसेस दिख रहे हैं उनका लिंक हम लोगों को जो स्क्रिप्ट है स्क्रिप्ट का जो कन्फिगरेशन है कन्फिगरेशन के एंड में डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये है हमारा HID एनेबल डिवाइस और ये जो है ये है हमारा टारगेट डिवाइस। तो यहाँ पे जो HID एनेबल डिवाइस है वहां से हम लोग अभी अटैक को परफॉर्म करेंगे। अभी ये जो कमांड है इस कमांड को यूज करके टर्मक्स में से ये जो स्क्रिप्ट है जो कॉन्फ़िगरेशन उसका खत्म हो चुका है। तो स्क्रिप्ट को मैंने यहाँ पे चला दिया है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जो टारगेट डिवाइस है उसके लॉक स्क्रीन के ऊपर जो ब्रूट फोर्स अटैक है वो स्टार्ट भी हो चुका है। तो अभी कुछ देर बाद आप देख पाएंगे कि जो लॉक स्क्रीन है वो अनलॉक हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये जितने सारे मेथड्स मैंने आप लोगों को बताए हैं वो सारे आप लोगों को समझ में आ चुके हैं। तो या फिर आप आपके डिवाइस के जो प्री कंडीशन है उसके हिसाब से आप इन मेथड्स को आप यूज़ कर सकते हैं जो पिन है उसको रिकवर करने के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप सपोर्ट कर सकते हैं मेरे वर्क को चैनल को सब्सक्राइब करके। एडिशनली आप इक्लिप्स का जो फेसबुक पेज है उसको आप लाइक कर सकते हैं। वहाँ पे मैं फेसबुक एक्सक्लूसिव कंटेंट डालता रहता हूँ तो उनका एक्सेस आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर और भी रिलेटेड वीडियो शो हो रहे होंगे आप उनको भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं देव आशीष साइनिंग ऑफ।